सरकार जमानियों को है वैसी मैं हूँ कति कति इतना घमंड हो रहा है सरकार में एक मैं सांस नहीं कर दी। फिर ये किसान भी नहीं डरता छाती ताने का जमा गया खड़ा चाहे कितने भी हो। हाँ शुभ करना वो भी जहाँ पर लेकर आए थे उसको भी यहाँ लेके आए थे। हाँ 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 इधर ही लेकर आ गए वहाँ से हमने एम्बुलेंस में पाकर रेफर कर दिया उसको जहाँ। नमस्कार मैं हूँ अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं साथियों। खनौरी बॉर्डर के ऊपर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें हम आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई पूरे देश की नज़र अब इस आंदोलन के ऊपर टिकी है और भाई लोकसभा जो चुनाव है वो भी नज़दीक ही है और भाई किसानों ने भी कह रखा है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, जो MSP का जो गारंटी कानून है वो हम लेकर के रहेंगे। लगभग 2 से 3 साल पहले जो किसान आंदोलन चला था तब भी किसानों का जो संघर्ष था उसकी जीत हुई थी उस टाइम पर भी किसानों की। इस वक्त फिर ये देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रालियां जत्थेबंदियां लगातार महिलाएं यहां पर आंदोलन में पहुंचने लग रही है। देख सकते हैं यहां पर ये तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। खनौरी बॉर्डर के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। ताई जी सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई राम राम। तो वही ये कंडेले वाली जो ताई है जो लगातार किसान आंदोलन में यहीं पर दिन रात डटी रहती है। ताई जी हरियाणा के खबर जो लगातार खेड़ी चोपटा से जो वायरल होने लग रही है कि वहाँ जो किसानों को 17 किसानों को हिरासत में ले लिया था और रात को छोड़ा गया, पता पथराव और टकराव की स्थिति वहाँ बढ़ गई थी। बेरा है भाई हमने जो मारा के लड़ 21 तारीख ने करी थी। हाँ। ओए मतलब चोपटा खेड़ी करी गई किसान के ऊपर। हाँ। पूरी तानाशाही कर रही है सरकार किसान ने जमा मारन खातर गोली आंसू गैस। हाँ। सीधी गोली चलावा है। हाँ। ओड़ा भी भारे किसान का बहुत गणी चोट लगी है बहुत। हाँ। गणे मतलब युवा जवाना कर और सब कर फिर गांव में बढ़ गई बच्चे भी ले लिए महिला भी ले ली। सरकार जमानियों को है वैसी मैं हूँ कति कति इतना घमंड हो रहा है सरकार में एक मैं सांस नहीं कर दी। फिर ये किसान भी नहीं डरता छाती ताने का जमा अगर खड़ा चाहे कितने भी हो चाहे चोपटा खेड़ी हो चाहे खनौरी पतड़े हो चाहे शंभू बॉर्डर पर हो एक भी किसान जै मतलब न्यू घटिया हो दूने ये जितनी दबानी चाहवा है इतना है किसान उभर का आवा है। ये कौम डरन वाली नहीं है। हम सरकार ने पल लिए तो कहने लग रहा मोदी सरकार। अच्छा सिंगू और टिकरी बॉर्डर तो खाली कर दिए रास्ता दे दिया गया है अब तो। वो तो देखो कोर्ट ने दुआया है। हाँ। बिल्या दाब बिन्या गंडा रस नहीं दिंदा। हाँ। हम ये कहनी चाहवा खट्टर ने। हाँ। बिना खोल लाया रास्ता ऊपर तो उसका बाबू का आ गया देश क्यों खोल लिया इब है खट्टर ने खोलना इन चाहिए। किसान तो उल्टा नहीं डरता किसान ने रहा खट्टर आप देवगा अरे नी मतलब मारी बात मानी। हम तो रास्ता है तो उदन खातर बैठे रास्ते के रास्ता खुला होता था हम जा लिया दिल्ली खुद खट्टर रास्ता देगा इब हमने खोल कर जब तो हम खुद खोला थे ये भी यू खट्टर देवगा रास्ता क्यों बंद इसने कर रखा किसान ने को रास्ता बंद नहीं करा सारे जितने भी कर्तव्य कर रखे है नमाड़े कर्तव्य इस खट्टर ने कर रखे हरियाणा में। तो अभी क्या प्रक्रिया है काफी जो नेशनल चैनल है वो चलाने लग रहे हैं कि भी बॉर्डर तो खाली होने लग गया जो पंजाब बॉर्डर पर किसान बैठे थे घर वापसी करने लग गए किसान एक नहीं वापसी होया देख। हाँ। तू ओढ़ लेकर उड़ती कवर करके देख किसान तो दूना बद रहा है। बात एक से भाई जो सरकार ने अपने बंदे खड़े कर रखे थे जो रोड जाम कर रखे थे वो रोड सरकार खोलन लग रही है किसान तो उड़े है अरे अग जाओगा आर्डर नहीं मानी तो मारे किसान नेता जो बोलेंगे 29 तारीख तक हमें शांत हाँ आगे का जो देश होगा वो फॉलो करेंगे किसान मतलब खट्टर को कि मैंने इतना 29 तारीख तक खट्टर हमने रास्ता खोल कर देगा वो देखो हमारे किसान आगू के फैसला लेंगे हम उसे फैसले पर फूल चढ़ावांगे। चलो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं जो जत्थेबंदियाँ हैं जो लगातार यहाँ पर पहुँचने लग रही है। शुभ करण का अंतिम संस्कार हो लिया नहीं होया भाई पहले हरियाणा सरकार का ऊपर FIR कटवावांगे केस करवा कर फिर उसका संस्कार करा। तो पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी। देखो पंजाब सरकार वो तो करो ना करो आदमी तो कई करोड़ में भी कोई नहीं आंदा। शुभ करण की कीमत जितना उसका जुनून था जो करो
था मतलब छोरा, उसका तो कई करोड़ का भी मोल नहीं हो तो उसका हो ही नहीं सकता मोल, उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती है भाई। ये तो सरकार की बात है, ठीक है, गरीब परिवार है, उसका परिवार की मदद हो जाएगी है, ये बात है। इब मतलब सरकार का ऊपर एफआईआर हो लेगी जब उसका दाग संस्कार करेंगे। चलो ठीक है ताई जी। चलो भाई फिलहाल आप यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, बड़े बुजुर्ग जो किसान है सभी यहाँ पर लगातार पहुँचने लग रही है, जत्थेबंदियाँ यहाँ पर है और ये लंगर की सुविधा लगातार चलने लग रही है। क्या क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के? क्या कहना है जी, धक्का हो रहा है हमारे साथ सरकार की तरफ से, और क्या है, देख लो क्या हाल हो रहा है जी। हर रोज खाना लेके आते हैं जिमीदार भाई, भूखे मर रहे हैं जी यहाँ। जी हाँ धक्का कर दिया जी खट्टर सरकार, हमारे को दिल्ली जाने दे, वहाँ बैठ के हम प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं। लेकिन सीएम साहब तो कह रहे हैं कि भी आप दिल्ली जाओ, आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन ट्रैक्टर ट्रालियां नहीं या बस में रेलवे बैठ कर तो वहाँ खाएंगे क्या? प्रधानमंत्री खाना देगा हमारे को या खट्टर देगा खाना हमारे को? हमने इसमें क्या है आप देखो, इसमें खाने की चीज है। कुछ है हमारा बेड लगे हुए हैं, दिखा दे भाई एक बार, इसमें दिखा दे भाई, ये देख सकते हैं भाई, इसमें ट्राली में देख सकते हैं जो भी सामान रखा है ये आपके सामने, जो ताऊ जी बताने लगे। खाली ट्राली है ये, क्या 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 डाल रखा है हमने इसमें, क्यों नहीं जाने देते हमारे को दिल्ली? ये तो धक्का हो रहा है जी, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं ये जी। हाँ, डिक्टेटरशिप। तो हाँ। क्या लगता है ताऊ जी, इसके बाद 29 के बाद यदि किसान कोल देते दिल्ली कूच के तो जाएंगे फिर? बिल्कुल जाएंगे जी, हाँ बिल्कुल जाएंगे जी। कब जी तो जाने देंगे, कब तक रोकेगा? हम तो यहाँ 6-6 महीने साल साल का राशन लेके बैठे हैं जी, और गांवों वाले हमारी मदद कर रहे हैं जी, खाना आ रहा है, खा रहे हैं, पड़े हैं जी। कभी तो खोलेंगे ना, यानी कि ये जिद की जाएंगे बिल्कुल, हमारी MSP लेंगे हम इनसे। MSP देख सकते हैं, MSP की लड़ाई के लिए लगातार किसान यहाँ पर डटे हैं और कह रहे हैं कि हम जो MSP की जो लड़ाई है वो लड़ेंगे। एक बुजुर्ग किसान है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड मीडिया के माध्यम से लगातार किसान यहाँ पर आने लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के? आंदोलन लेके की कहेंगे तो जित के हटांगे अपा, ये जिम्मे मर्जी हूँ करी जाना भाई। जे नती के ऊपर काफी सख्ताई बरती जा रही है ना, अज कोई सख्ताई नहीं, अज तो खाली पे सारा, अज पुज गए सारे, हाँ पज गए सारे, हाँ हाँ अ थोड़े जे बैठे ने एक बस लोग तो क्या वाजा अपने आप लागे खोलना, बिल्कुल यह 29 तरीक न आपे खोल देंगे। अच्छा आप क्या क्या कहेंगे भाई जी? कुछ नहीं कहते हैं जी। चलो भाई फिलहाल ये तमाम तस्वीरें बॉर्डर के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 29 तारीख तक शांति प्रिय तरीके से धरना करने की बात कही जा रही है यहाँ पर किसान नेताओं के द्वारा। ये तमाम तस्वीरें बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगातार लंगर की जो सुविधाएँ हैं यहाँ पर वो चलने लग रही है और जो जत्थेबंदियाँ हैं लगातार वो यहाँ पर पहुँचने लग रही है। और कंडेले वाली जो ताई से भी हमने जो बातचीत की है वो भी तमाम तस्वीरें आपने देखी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में जो ट्रैक्टर है जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टरों की जो टीम है, जो भी घायल जो किसान होते हैं उनकी यहाँ पर जो सेवाएं की जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आंदोलन को लेकर के? आंदोलन को लेकर तो बहुत समस्या हो रही है ना, आंदोलन समस्या आंदोलन को लेकर नहीं हो रही है, हरियाणा की सरकार को लेकर हो रही है, जो बहुत ज़्यादा उन्होंने 21 तारीख को गोलाबारी की ना हमारी जहाँ पर टीम ने सैकड़ों किसानों का इलाज किया, सैकड़ों किसानों को चोट लगी थी उस दिन। हाँ हाँ सैकड़े किसानों को बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी थी, जो मतलब जैसे टीयर गैस तो होते सैकड़ों से भी ऊपर हो गए थे, बाकी ज़्यादा सीरियस से वो मतलब 100 के ऊपर थे, जिन्होंने ज़्यादा से जैसे वो अपना शुभ करना वो भी यहाँ पर लेकर आए थे, उसको भी यहाँ लेके आए थे। हाँ 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 इधर ही लेकर आ गए भे, वहाँ से हमने एम्बुलेंस में पाकर रेफर कर दिया उसको जहाँ से। हाँ यहीं दम तोड़ दिया था शुभ करने देखा। मैं बोलूँ ना मैं आपको, जब उसको जहाँ लेकर आए थे ना यहाँ पर भी टीयर गैस इतने लग रहे थे ना, उसको अच्छी तरह जांच नहीं कर पाए हम, हमने देखा भी है इतना ज़्यादा गोलाबारी हो रही है, गोली भी चल रही है, मगर टीयर गैस हमारे टेंट पर भी गिरे थे, हमने फिर उसको
उठाकर जल्दी जल्दी एम्बुलेंस में पाकर भेज दिया वापस। हाँ जी हाँ जी हाँ, हॉस्पिटल में देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर है जो किसान कौम के लिए जो शहादत जो दी है सुबह करने। हमारी टीम पर भी अटैक किया उन्होंने, हमारी गाड़ी भी तोड़ दी, हमारे मोटरसाइकिल भी तोड़ दिए, हमारे वॉलंटियर भी घायल कर दिए उन्होंने। हाँ हाँ, उनको भी काफ़ी चोट हो। आज ही एक वॉलंटियर को वहाँ पर छुट्टी मिली है पटियाला हॉस्पिटल से। ये किसकी तरफ से लगाया गया ये क्लिनिक है? डॉक्टर स्वायमान फाइव रिवर्स आर्ट एसोसिएशन, अमेरिका से है? अमेरिका से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देख सकते हैं ये तमाम तस्वीरें डॉक्टरों की जो सेवा भाव यहाँ किसानों के प्रति, ये चेकअप किया जाता है लगातार, सेवा है यहाँ पर है। किसान जो बीमार होते हैं, जो भी चोट इनको लगती है, यहाँ पर देख सकते हैं एक टीम है यहाँ पर जो लगातार कार्य करने लग रही है। तमाम तस्वीरें आपने देखी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।